मणिपुर में जारी हिंसा के बीच इम्फाल पश्चिम जिले के लामफेल इलाके में बुधवार 14 मई की रात एक मंत्री के घर हमला हुआ। एंड ऑन ट्यूसडे थिंग्स एस्केलेटेड इवन मोर, 9 पीपल वर शॉट डेड इन द विलेज ऑफ आईजाम। After 3 days of peace in the violence-hit state of Manipur, yesterday again fresh reports of violence have come in from the state. A month-long violence in the state is primarily between two ethnic groups, the majority Métis and the minority Kukis. जय हिंद। मणिपुर सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक छोटा सा स्टेट है जिसकी आबादी लगभग 37 लाख है। मणिपुर में 3 मई 2023 को भड़की एथनिक क्लैश में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1700 से ज्यादा घर जलाए जा चुके हैं। पिछले 40 दिन से वहां पर इंटरनेट भी बंद है। कुकी और मैतेई आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मणिपुर वॉयलेंस देखते ही देखते इतने वास्ट लेवल पर कैसे फैल गया और इस वॉयलेंस के पीछे कहीं स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं? आज के इस वीडियो में इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और दोनों पक्षों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये भी जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशनल होता है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ मणिपुर। मणिपुर की प्रॉब्लम को समझने से पहले वहाँ की ज्योग्राफी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ की काफी प्रॉब्लम्स ज्योग्राफी से ही जुड़ी हुई हैं। मणिपुर के पड़ोसी राज्य नागालैंड, मिजोरम और असम है। मणिपुर की सीमा ईस्ट साइड से म्यांमार देश को टच करती है। आपने फुटबॉल का स्टेडियम जरूर देखा होगा। स्टेडियम के बीचों बीच एक समतल मैदान होता है जिसमें सारे प्लेयर्स खेलते हैं और चारों तरफ हाइटेड गैलरीज होती हैं जिसके अंदर दर्शक बैठते हैं। मणिपुर स्टेट फुटबॉल स्टेडियम की तरह ही है, जिसमें इम्फाल वैली मैदान की तरह और आसपास की पहाड़ियां हाइटेड गैलरीज की तरह है। पूरे राज्य का 90% पोर्शन हिली है और 10% पोर्शन वैली यानी घाटी का है। घाटी मतलब पहाड़ों के बीच की लोलैंड जहां से अक्सर नदी बहती है। 90% पोर्शन जो हिली है वहां पर नागाज, कुकीज और अन्य ट्राइब्स रहती हैं। ये मोस्टली क्रिश्चियंस हैं। 10% भाग जो वैली का है उसमें मैतेई रहते हैं, उनमें मेनली हिंदू आते हैं, कुछ परसेंट मुस्लिम भी हैं। मणिपुर विधानसभा में टोटल 60 सीटें हैं, जिसमें से 40 सीटें इम्फाल वैली के लिए रिजर्व है और 20 सीट्स हिली एरियाज के लिए। कानून के मुताबिक पहाड़ों में रहने वाली ट्राइब्स वैली में जमीन खरीद सकते हैं, वैली में रहने वाले लोग पहाड़ों में जाकर नहीं रह सकते। सेंसस 2011 के अनुसार मणिपुर में 53% मैतेई हैं, जिसमें से 45% हिंदूज हैं और 8% मुस्लिम हैं। इसके अलावा 40% क्रिश्चियंस हैं, जिसमें से 24% नागाज और 16% कुकीज विद अन्य ट्राइब्स हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि मणिपुर में मेनली दो रिलीजन है, हिंदूज और क्रिश्चियंस। रीजंस बिहाइंड प्रेजेंट वॉयलेंस। मणिपुर राज्य में 1961 से 2011 की जनगणना के बीच हिंदुओं की हिस्सेदारी 62% से घटकर 41% पे आ गई और ईसाइयों की हिस्सेदारी 19% से बढ़कर 41% पे चली गई। इसके पीछे मेन कारण इलीगल इमिग्रेशन माना जाता है। किसी भी स्टेट में डेमोग्राफिक चेंज से सभी पैरामीटर्स पे काफी फर्क पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं मैतेई पॉइंट ऑफ व्यू की। 1948-49 में मणिपुर यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बना था। उससे पहले मैतेई समाज को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा हासिल था, लेकिन इसके बाद ये लोग जनरल कैटेगरी में कंसीडर किए गए। हालांकि काका कालेलकर और मंडल कमीशन के बाद इन लोगों को अकॉर्डिंगली ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस के बेनिफिट्स मिलने शुरू हो गए थे। मैतेई लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि हमारी भाषा, कल्चर और ट्रेडिशन को बचाने के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा बहुत जरूरी है। इनका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है और हमारे पास लैंड कम है, हमें एक्सटेंशन के लिए लैंड की जरूरत है, हम पहाड़ों में नहीं जा सकते, लेकिन पहाड़ों के लोग जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं वो इम्फाल वैली में आ सकते हैं। मैतेई समिति ने दावा किया कि हमारे समाज को बाहरी लोगों से खतरा है, मुख्य रूप से कुकी चिन लोग जो कि म्यांमार से मणिपुर में इलीगल इमिग्रेशन के तहत आए। जब से म्यांमार में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई है, यानी कि आर्मी ने वहां पर कूप किया है, उसके बाद से इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि कुकीज मणिपुर में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं
और इन लोगों ने नए गांव के गांव बसा लिए हैं। इलीगल इमिग्रेशन इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, जिस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, एक बार जरूर विजिट करना। मैतेई समुदाय की डिमांड है कि 1970 के बाद यहाँ पर कितने लोग आए हैं, इसकी जांच की जानी चाहिए और NRC लागू किया जाना चाहिए। मैतेई समिति अपनी डिमांड को लेकर हाई कोर्ट पहुंच जाती है। हाई कोर्ट ने 10 साल पुरानी रिकमेंडेशन को आधार मानते हुए स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी कि मणिपुर स्टेट 4 वीक के अंदर मैतेई कम्युनिटी ST की अपनी लिस्ट यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को भेज दे। इसके बाद से कुकीज और नागाज में रोष पैदा हो गया। मैतेई को ST का दर्जा ना मिले, इसके खिलाफ ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने ट्राइबल सॉलिडिटी मार्च ऑर्गेनाइज किया। पुलिस के अनुसार चोरा चांदपुर जिले के तोरमुंग क्षेत्र में भीड़ में कुछ लोगों के पास हथियार थे और उन्होंने मैतेई समाज के लोगों के ऊपर हमला कर दिया और मैतेई समाज ने जवाबी कार्रवाई में हमला किया और दोनों के बीच में हिंसा भड़क जाती और धीरे धीरे हिंसा पूरे राज्य में फैल गई। यहाँ पे एक बात ये भी जाननी जरूरी है कि 1993 में भी मणिपुर में हिंसा हुई थी, लेकिन उस टाइम पे नागाज और कुकीज की आपस में थी और नागाज ने एक दिन में 100 कुकीज मार दिए थे, लेकिन शेड्यूल ट्राइब के मुद्दे पर नागाज और कुकीज मैतेई के अगेंस्ट है। कुकीज पॉइंट ऑफ व्यू, कुकी समाज का मानना है कि मैतेई समाज की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है और हमारी कम है। इम्फाल वैली में जॉब्स भी ज्यादा हैं और वैली को बजट भी ज्यादा मिलता है। अगर मैतेई समाज को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया तो हमारी जॉब्स के साथ साथ हमारा हिली एरिया भी चला जाएगा। कुकी समाज को बीरेन सिंह की BJP गवर्नमेंट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि बीरेन सिंह का हर एक्शन ट्राइब्स के खिलाफ होता है और वो खुद भी एक हिंदू है। गवर्नमेंट ने फरवरी 2023 में एक एविक्शन ड्राइव स्टार्ट किया था, जिसके तहत जो इलीगल एनक्रोचमेंट कर रहे हैं हिली एरियाज में, उनको हटाया जाना था और काफी गांवों को हटाया भी गया। इस एक्ट से केवल कुकी समाज नहीं, इसके अलावा अन्य ट्राइब्स जो कि रिजर्व फॉरेस्ट में रह रही थी, उनके अंदर भी रोष फैल जाता है। बीरेन सिंह के इस एक्ट को भी एंटी ट्राइब्स एक्ट बोला गया था। इम्फाल के जनजातीय कॉलोनी क्षेत्र में 11 अप्रैल को 3 चर्च गिरा दी गई थी, क्योंकि वो सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। इसकी वजह से भी लोगों में असंतोष बढ़ जाता है। गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि हमने रिजर्व्ड फॉरेस्ट का सैटेलाइट सर्वे करवाया था, जिसमें 38 ऐसे नए गांव हैं जो 2020 में नहीं थे और अब वहां पर इलीगल एनक्रोचमेंट है। जबकि कुकीज का मानना है कि उनके ये गांव 50 से 60 साल पुराने हैं। ये काफी सीरियस एलिगेशन है, तो केंद्र सरकार द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट के अनुसार फॉरेस्ट लैंड को कॉपी कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है, जो कि मणिपुर में बिल्कुल इलीगल है। कुकी समाज का पक्ष ये है कि CM बीरेन उन्हें एनक्रोचर्स, पॉपी कल्टीवेटर, इलीगल इमिग्रेंट्स और ड्रग स्मगलर्स कहकर बुलाते हैं। कुकी लीडर्स का मानना है कि कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को जनरलाइज करके बदनाम नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह का चोरा चांदपुर जिले में न्यू लमका कस्बे में एक समारोह था, उनके संबोधन से ठीक पहले भीड़ ने वहां पहुंचकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। एक ओपन जिम का भी इनॉग्रेशन था, उसको भी जला दिया। बेसिकली ये लोग कुकीज थे जो अपना रोष प्रकट कर रहे थे। कुकी फॉर्म ने दावा किया है कि सरकार द्वारा चलाए गए एविक्शन ड्राइव का हमने स्टार्टिंग से ही प्रोटेस्ट किया है और सरकार को बार बार ज्ञापन सौंपे हैं, इसके बावजूद सरकार ने लोगों की दुर्दशा समझने की कोशिश नहीं की। कुकी छात्र संगठन चोरा चांदपुर के महासचिव DJ हाउकिप ने बताया कि सरकार ने अचानक ही फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्टेड और रिजर्व्ड लैंड बना दिया, जिसकी वजह से जो कुकीज की पारंपरिक बस्तियां थी उनको हटाना पड़ा। हाउकिप ने कहा कि उनकी पीड़ा बेदखली से नहीं है, लेकिन सरकार को बेदखली से पहले रिहैबिलिटेशन प्लान बनाना चाहिए था। जो लोग अस्त व्यस्त हुए हैं उनको रिहैबिलिटेट करना चाहिए था, लेकिन सरकार इस पूरे मामले में विफल रही है। हिंसा स्टार्ट होने के बाद से कुकी समुदाय लगातार ये मांग कर रहा है कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए और साथ ही स्टेट पुलिस को उस एरिया से हटा दिया जाए जहां पे कुकीज रहते हैं। सिर्फ सेंट्रल फोर्सेज होने चाहिए, हमें स्टेट पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट पे कोई भरोसा नहीं। वॉयलेंस इंसिडेंट्स, 3 मई 2023 को प्रोटेस्ट के दौरान शुरू हुई हिंसा 4 मई तक इस कदर फैल गई कि
कि सरकार को शूट एट साइट के ऑर्डर देने पड़े। गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट पुलिस को डिप्लॉय किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात कंट्रोल में नजर नहीं आ रहे। अभी तक 3700 केस रजिस्टर हो चुके हैं और 65 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लगभग 50,000 लोग रिलीफ कैंप में एट प्रेजेंट रह रहे हैं। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने बताया है कि 40 कुख्यात आतंकवादी जो मासूम लोगों को अपना निशाना बना रहे थे उनको मार गिराया है। अलग अलग समुदाय के मिलिटेंट ग्रुप्स पुलिस या आर्मी की ड्रेस में आकर गांव पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से मासूम मर रहे हैं। मणिपुर में जिन मिलिटेंट ग्रुप्स को निष्क्रिय कर दिया गया था, मौके का फायदा उठाकर वो भी निष्क्रिय हो चुके हैं और अपोजिट समुदाय के लोगों को अपना टारगेट बना रहे हैं। रिसेंट में हुई घटना दिल दहला देने वाली है। SP की प्रोटेक्शन में एक एम्बुलेंस जा रही थी जिसमें 2 महिलाएं थी और एक बच्चा था। दंगाइयों ने एम्बुलेंस को अपना निशाना बनाया और दोनों महिलाओं और बच्चे को मार दिया। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना से आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का अंदाजा लगा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट सिचुएशन को हैंडल करने में पूरी तरह नाकाम रही है। CM बीरेन जब कांग्रेस में थे तब भी और अब BJP में है अब भी, इनकी इमेज ट्राइबल पीपल के अंदर अच्छी नहीं है। अगर स्टेट ने एविक्शन ड्राइव चलाया था तो उससे पहले रिहैबिलिटेशन का प्लान होना चाहिए था। अगर पर्टिकुलर कम्युनिटी के कुछ लोग गलत काम करते हैं तो पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं करना चाहिए। इस बात का CM बीरेन को ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद बहुत ही ग्रीमाई होता है। जब राज्य में तनाव हो तो ऐसी बयानबाजी से बचा जा सकता था। फॉरेस्ट लॉ को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट को पूरा साथ था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लॉ को अच्छे से इंप्लीमेंट करने में नाकाम रही। द हिंदू में छपी एक खबर के मुताबिक 3 मई की घटना के बाद 4,000 हथियार और 1,00,000 बुलेट्स लूट लिए गए। इस फ्रंट पर भी स्टेट गवर्नमेंट नाकाम रही। रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। 45 दिन की लंबी वायलेंस के बाद भी माननीय मोदी जी पूरे मामले पर चुप है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने घटना के लगभग 25 दिन बाद राज्य में 3 दिवसीय दौरा किया था। मणिपुर विजिट में होम मिनिस्टर ने लोगों को आश्वासन दिया था कि राज्य में जल्दी से जल्दी शांति बहाल की जाएगी, मामलों की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और जिन लोगों ने हथियार लूटे हैं उनसे वापस करवाने के लिए भी अपील की गई। सरकार ने गवर्नर की अध्यक्षता वाली एक पीस कमेटी बनाई है और 6 मामलों में CBI जांच के आदेश दे दिए। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि राज्य में अब शांति लौट आएगी, लेकिन छुटपुट घटनाएं अभी भी जारी हैं, जिसकी वजह से राज्य में अभी भी तनाव बना हुआ है। कुकी समाज ने पीस कमेटी का प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि इनका मानना है कि CM बीरेन भी इस कमेटी के सदस्य हैं। ऐसी कमेटी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। काफी रिसर्च करने के बाद मेरा ये अनुमान है कि जो लड़ाई कुकीज वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट की थी उसको डाइवर्ट करके कुकीज वर्सेज मैथी बना दिया गया। जांच इसी मुद्दे पर होनी चाहिए कि किसने ऐसा किया है, स्टेट गवर्नमेंट या मिलिटेंट ग्रुप्स। इस बात को CM बीरेन ने भी एडमिट किया है कि राज्य में जो अशांति हुई है उसके पीछे स्टेट गवर्नमेंट के एक्शंस हैं। मणिपुर में 3 मई के बाद से लगातार इंटरनेट बंद है, जिसकी वजह से एक्चुअल रिपोर्ट नहीं आ पा रही। महज 37,00,000 की आबादी वाले स्टेट में इतनी फोर्सेज होने के बावजूद शांति नहीं लौट पा रही, उसके पीछे कारण है वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। अगर किसी और पार्टी की गवर्नमेंट होती तो शायद प्रेसिडेंट रूल भी लग गया होता अब तक। कुकी और मैतेई सभी अपने अपने हिसाब से दिल्ली राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसका सेंट्रल गवर्नमेंट पर कोई खास असर नहीं दिख रहा। अगर सोल्यूशन की बात की जाए तो सरकार के सामने 3 ऑप्शन है। पहला, कुकी, जोस और नागा वाले एरिया को अलग एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया जाए। इसमें जो हर्डल है वो मैतेई के साथ साथ नागाज भी ऑब्जेक्शन करेंगे, क्योंकि उनका स्टार्टिंग से ये मानना है कि नागाज यानी कि हम यहाँ के ओरिजिनल बासिंदे हैं और कुकीज बाहर से आए हैं। दूसरा, कुकीज और जोज को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया जाए जहाँ पे उनकी डोमिनेंस है, और नागाज को एक बार के लिए मना लिया जाए कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बाद में कर दे, क्योंकि इस टाइम पे मेन कंसर्न कुकीज का है। और तीसरा ऑप्शन है कि मणिपुर राज्य में किसी भी तरीके से शांति की बहाली हो जाए और सिचुएशन पहले जैसी बन जाए तो राज्य की इंटीग्रिटी जो की त्यों बनी रहेगी।
वीडियो को बनाते टाइम अलग अलग रिसोर्सेज से कंटेंट लिया जाता है, मेरी कोशिश रहती है कि आप तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचा जाए। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।